हेलो एवरीवन, मेरा नाम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से लेके आ चुका हूँ 2 BHK बहुत ही चीप प्राइस में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, 21 लाख विद रजिस्ट्रेशन के साथ में। यहाँ पर आपको आज मैं आपको दिखाऊंगा 2 BHK, वो भी रेडी टू मूव में। मेरा बैक साइड में है बिल्डिंग, जैसे कि आप देख सकते हो G+6 का बिल्डिंग है। बिल्डिंग रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग का OC भी आ चुका है और सोसाइटी भी बनकर हो चुका है। तो देर किस बात का, दिए गए नंबर पर आप लोग कॉलिंग कर सकते हो। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा मेन गेट, छोटा सा आपको यहाँ पर चिल्ड्रेन प्ले एरिया दिए गए हैं, प्लस आपको यहाँ पर पार्किंग सुविधा भी इस बिल्डिंग पर अवेलेबल है। चारों तरफ CCTV कैमरा वगैरह लगाकर दिए गए, और जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्डिंग का सोसाइटी भी बन चुका है और काफी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुका है। स्टेशन से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, रोड टच प्रॉपर्टी। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो पूरा वीडियो को आप लोग को देख लेना है। तो चलिए चलते हैं फ्लैट की तरफ और देख लेते हैं फ्लैट को। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ फ्लैट का अंदर। सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि काफी सारे लोगों को पसंद आता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे ही आपका ये डोर रहेगा और डोर का जो फेसिंग है वो भी आपका ईस्ट वेस्ट फेसिंग रहेगा, जो कि काफी सारे लोगों का रिक्वायरमेंट है। और इस वाले फ्लैट पे जो आपको यूज करने के लिए पैसेस मिलेगा ना, ये पूरा एरिया आपको यहाँ पर यूज करने के लिए मिलेगा। छोटे बच्चों के लिए साइकिल है, शूज़ वगैरह है, कुछ आपको एक्स्ट्रा सामान रखना है जो वेस्टेज है वो आप बाहर यहाँ पर रख सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है इस वाले फ्लैट का। कॉर्नर का पूरा एरिया आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, और अगेन डोर का जो फेसिंग है वो आपका ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। 2 BHK का फ्लैट है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, 760 स्क्वायर फीट का 2 BHK का है दोस्तों, 760 स्क्वायर फीट का। सबसे पहले आपको मिल जाएगा लिविंग, लिविंग की भी आपका अच्छा खासा ही रहेगा। साइज में आपको गिन के बता देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऐसे में आपको 14 फीट हो गया। ऐसे में आपको यूज करने के लिए मिलेगा 1 2 3 4, यानी कि 8 फीट है, 9 फीट आपको मिलेगा, 14x9 का आपका हो गया आपका लिविंग। ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर आपको शानदार सा फॉल सीलिंग यहाँ पर आपको बनाकर दिए गए हैं। चाहो तो आप डिफरेंट कलर भी लगा सकते हो। फाइनल कलर आपको पोजेशन के वक्त दे दिया जाएगा क्लीनिंग वगैरह करके, फिलहाल ये क्लीनिंग नहीं है फ्लैट। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो डाइनिंग के लिए आपको कॉर्नर पे स्पेस दिए गए हैं। लिविंग में आपको डाइनिंग के लिए भी आपको स्पेस मिल जाएगा दोस्तों। पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपका ये TV के लिए रहेगा, पावर पॉइंट के लिए ये वाला पावर पॉइंट रहेगा दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बालकनी, जो कि है शानदार सा, और व्यू भी आपका पैसा वसूल वाला व्यू मिलेगा दोस्तों। फ्रेंच विंडो मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर एक बालकनी मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी आपको 9 फीट का आसपास लंबाई है, 2 फीट का ऐसे में चौड़ाई में आपको मिलेगा। बाहर का व्यू आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको व्यू मिलेगा। आसपास में काफी सारे बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और स्टेशन से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे, आप देख सकते हो बिल्डिंग का नीचे ही हमारा कॉन्क्रीट का सड़कें है, यहाँ से आप 5 मिनट वॉकिंग पे रेलवे स्टेशन ईजिली पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप माउंटेन व्यू देख सकते हो, फिलहाल के काफ़ी धूप है इसकी वजह से क्लियरली आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन शाम के वक्त आप ब्यूटीफुल सा एक माउंटेन का नज़ारा यहाँ से ले सकते हो। तो पैसा वसूल वाला फ्लैट है, बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा है, 21 लाख विद रजिस्ट्रेशन में मिल रहा है। तो देर किस बात का, दिए गए नंबर पे कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग जरूर कर लेना। अब हम आ गए हैं किचन पे, किचन भी आपका बहुत ही शानदार रहेगा। डबल प्लेटफॉर्म रहेगा, मेन वाला प्लेटफॉर्म इस तरफ है और इस तरफ है आपका सर्विस वाला प्लेटफॉर्म। तो साइज में आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी कि लंबाई में ये 10 फीट आपका लंबाई है। ऐसे में आपको यूज करने के लिए मिलेगा दोनों ही प्लेटफॉर्म का बीच में, 4 फीट 5 फीट 5.5 फीट के आसपास आपको ऐसे यूज करने के लिए मिलेगा। सर्विस प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए, शानदार सा आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए, एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपका मेन वाला प्लेटफॉर्म है। पानी आपको मिल जाएगा, ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी मिल जाएगा, एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर ही दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस आपको यहाँ पर एक बालकनी मिल जाएगा। देख लीजिए, ये आपका किचन का बाहर का बालकनी हो गया, और ये कुछ आपका बाहर का व्यू रहेगा। किचन का बाहर का व्यू आप देख सकते हो, शानदार से व्यू है दोस्तों, मिस मत कीजिए ऐसे वाले प्रॉपर्टी। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके विजिट के लिए प्लानिंग जरूर कर लेना। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो वाटर कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपका वॉशिंग मशीन के लिए रहेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाथरूम पे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको 500 लीटर का टैंक आप इजीली रख सकते हो। इन्वर्टर के लिए भी यहाँ पर एक आपको पावर पॉइंट दिए जाएंगे दोस्तों। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपका पावर पॉइंट रहेगा, जो कि आपका बाथरूम का रहेगा, बाकी आप एक्सेस कर सकते हो किचन का ये पावर पॉइंट। इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये आपका मिल जाएगा, आपको शानदार सा एक आपको बाथरूम मिल जाएगा, देख सकते हो। मास्टर बेडरूम फ्लैट है दोस्तों, पहला वाला जो बाथरूम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा,
वॉल टू वॉल आपको शानदार टाइल्स लगाकर दिए गए हैं, आपको मिल जाएगा वेस्टर्न, एक वॉश बेसिंग आपको अंदर ही रहेगा। फिटिंग जो है वो बहुत ही ब्रांडेड फिटिंग यहाँ पर आपको लगाकर दिए गए हैं। ऊपर की तरफ शावर, एक पावर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि आपका रहेगा गीजर के लिए, बैक साइड में आपका विंडो रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बेडरूम को, देख लीजिए। जैसे ही आप बेडरूम में एंट्री करेंगे, लंबा सा आपको मिल जाएगा यहाँ पर बेडरूम, जैसे कि आप देख सकते हो साइज भी काफी अच्छा खासा, लंबाई में थोड़ा सा ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फीट है, 12 फीट 13 फीट आपको लंबाई में 13 फीट है, ऐसे में आपको थोड़ा सा कम है मेरे हिसाब से, 1 2 3 6 फीट है, 6 फीट 7 फीट के आसपास ऐसे में आपको यूज करने के लिए मिलेगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जैसे हम इस डोर को ऐसे क्लोज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और बाथरूम मिल जाएगा, ये रहा, ये आपका हो गया सेकंड नंबर वाला बाथरूम। फर्स्ट नंबर वाला आपने देखा वहां पर भी आपको वेस्टर्न ही था, यहाँ पर भी आपको वेस्टर्न ही लगाकर दिए गए हैं। वॉल टू वॉल एज इट इज टाइल्स आपको मिल जाएगा, एक वॉश बेसिन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, बैक साइड में आपका रहेगा विंडो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इस तरफ का विंडो, इस तरफ देखिए, ये आपका एक और विंडो जो कि आपका बेडरूम का इस तरफ रहेगा, बाहर का व्यू आप देख सकते हो, बेडरूम का बाहर का व्यू, सेम व्यू आपको मिल जाएगा, लिविंग से सेम व्यू मिल जाएगा, किचन से आपको सेम व्यू मिल जाएगा और बेडरूम से भी आपको सेम व्यू ही मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अभी सेकंड वाला बेडरूम की तरफ जो कि है चिल्ड्रन बेडरूम है, और वो वाला जो बेडरूम है वो आपको लिविंग का कॉर्नर पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ से हमने एंट्री किया, यहाँ से हमने एंट्री किया और जैसे आप एंट्री करेंगे लेफ्ट साइड में आपका चिल्ड्रन बेड रहेगा। जैसे ही आप बेडरूम का डोर को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही बिग साइज का आपको जगह दी गई है, इसे मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर एक वॉर्डरोब सेट किया जाए तो आप यहाँ पर एक बड़ा सा वॉर्डरोब यहाँ पर सेट कर सकते हो, कॉर्नर में आपको प्रॉपर तरीके से स्पेस दिए गए हैं वॉर्डरोब के लिए। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका बेडरूम, इसे मैं एक बड़ा सा तो नहीं कहूँगा लेकिन ये चिल्ड्रन बेड हम कह सकते हैं इसको। तो इसका साइज मैं आपको गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 यानी कि ऐसे में आपको 8 फीट है, 8 फीट 9 फीट के आसपास ऐसा लंबाई है, ऐसे में आपको यूज करने के लिए मिलेगा, 1 2 3 6 फीट है, 7 फीट आपको यूज करने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर हम इस तरफ देखेंगे तो ये है आपका विंडो और आप चिल्ड्रन बेड का बाहर का व्यू भी आप देख सकते हो किस तरीके का आपको यहाँ पर व्यू दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अभी लिविंग पे फिर से और बात कर लेते हैं कितने प्राइस पे आपको मिलेगा ये वाला 2 BHK, और यहाँ पर EMI डाउन पेमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन है नेरल रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, बिल्कुल रेडी वेजेशन, बिल्डिंग का OC आ चुका है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, और जैसे कि मैंने आपको बताया सोसाइटी भी बन चुका है। अगेन प्राइस है इसका 21 लाख विथ रजिस्ट्रेशन, प्राइस नेगोशियेबल नहीं है, फिक्स प्राइस है, 21 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा, 11,000 आप बुकिंग अमाउंट रहेगा। डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं, कम से कम ये 2.5 लाख का आसपास डाउन पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा, बाकी आपको 90% का आसपास बैंक लोन हो जाएगा, नेशनलाइज बैंक लोन अवेलेबल है। EMI की बात कर लेते हैं, अप्रोक्स आपको 16,000 का आसपास EMI पे करना पड़ेगा, 16 से 17,000 का आसपास आपको EMI आएगा अगर आप 2 लाख का आसपास डाउन पेमेंट देते हो तो। जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए है, नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तालुका कर्जत स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आता है ये नेरल सिटी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।